नमस्कार दोस्तों, श्रीराम सलून में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो प्रोडक्ट हम लेकर आए हैं वो है फोल्डिंग फ़ैन रिचार्जेबल, जो कि लिथियम बैटरी से चलता है और आप इसे जो है यूएसबी से भी ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए, टेक्निकल डाटा शीट की बात करें तो बैटरी जो है इसकी 4 वोल्ट 1600 mAh है, जो कि लिथियम एक सेल है, रिचार्जेबल है। 5 वोल्ट यूएसबी चार्ज टाइम जो है इसका 5 से 6 घंटे का है। बाकी आप स्पीड जिस हिसाब से रखेंगे इसका बैकअप उस हिसाब से आएगा, ठीक है। अभी पावर बैंक जो है इसमें 5 वोल्ट यानी 0.6 एम्पीयर ये लेता है। 4 कलर में ये आता है, कोई सा भी कलर आपके पास आ सकता है। ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। और 4 तरीके से आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। ये मैंने इसीलिए खरीदा है क्योंकि इसको जो है हम छोटा बड़ा ऊंचा नीचा या साइड में यानी 180 डिग्री एंगल पे ये जो है घूम जाता है। अब इसमें आप देखिए हाउ टू ऑपरेट, ठीक है। वैसे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, अभी आपको मैं वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। ये देखिए आप फैन जो है इसका आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। हो सकता है वीडियो में आपको मेजरिंग नहीं हो रहा हो, बाकी आप फैन को देख सकते हैं, हाइट इसकी अच्छी है। ये नॉब देखिए आप, नॉब का जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छा है। और जब हम स्टार्टिंग में से ऑन करते हैं तो ये हाई स्पीड पर ही ऑन होता है, उसके बाद आप स्पीड को जो है लो या हाई कर सकते हैं। ये आप देखिए, इसको इस साइड घुमाएंगे तो ये लो और इस साइड हाई हो जाएगा। इसके जस्ट नीचे जो है वो एलईडी लैंप, यानी इसके जो बीच में है एक लैंप दिया गया है, एलईडी लाइट दी गई है, जो कि 2 मोड में काम करती है, एक हाई और एक लो। तो आप उसको जो है आराम से जो है इसको ऑपरेट कर सकते हैं, यानी अगर नाइट में आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये ऑफिस के लिए या आप छोटे जैसे ऐसी जगह रहते हैं या किचन के लिए या नाइट के आप जैसे अपने सेल्फ एक जने के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो ये सफिशियंट है। अदरवाइज़ इसकी जो अगर मैं विंड पावर यानी हवा की बात करूँ तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है। आप इसको इसलिए ना लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हवा फेंकता है, क्योंकि इसमें मोटर जो है वो छोटी है, डीसी मोटर लगी हुई है तो हवा इतनी ज़्यादा नहीं फेंकता है। बाकी ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है और जो प्लास्टिक इसका यूज़ किया गया है वो भी बहुत अच्छा है, ABS प्लास्टिक है। और इसके अंदर जो है एक सेल दिया गया है, मैंने इसे खोल के देखा था। आप इसे वॉल पे भी जो है इसे लगा सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं 2 होल दिए गए हैं, वॉल पे भी लग सकता है, किसी भी एंगल पे ये सेट हो सकता है। और जो इसका फ़ैन है वो 180 डिग्री एंगल पे जो है वो रोटेट कर जाता है। जो इसका सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो यही है कि आप इसे अपने हिसाब से इसको जो है आप रोटेट कर सकते हैं, आप इसे डायरेक्शन दे सकते हैं। ये देखिए आप, जैसे मैंने इसको नीचे कर लिया, अब मैं इसको इस तरीके से घुमा सकता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरीके से कर लिया, मैं इसके जो है फ़ैन को भी घुमा सकता हूँ। ये आप देखिए, इसको मैंने ऊंचा कर लिया या इसको मैंने साइड में कर दिया, इस तरीके से ये 180 डिग्री पे घूम जाता है, उस साइड भी और इस साइड भी। ये इसका एक बेस्ट पार्ट है। बाकी आप अगर इसकी जो हवा की बात करें तो हवा इसकी जो है वो इतनी पावरफुल नहीं है, यानी एक व्यक्ति के हिसाब से ठीक है, बाकी अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा उसके लिए ले रहे हैं तो ये उतना सफिशिएंट नहीं है हवा देने के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप ऑफिस यूज़ में से काम कर सकते हैं, आप सिंगल पर्सन हैं, आप अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या ऑफिस में बैठे हैं तो उसके लिए ये सफिशिएंट है। और नॉइसलेस ऑपरेशन है, बहुत कम आवाज़, मतलब आपको आवाज़ नहीं आएगी, बहुत कम आवाज़ इसके अंदर दी गई है। तो ये आप इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और एडजस्टमेंट भी जो है वो काफ़ी अच्छा है, ऐसा लगता नहीं है कि कहीं टूट जाए या ऐसा कुछ प्लास्टिक ब्रेक हो जाए। ये आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ है इसका जो रोटेशन वगैरह, ये आप देखें। और हैंडी भी काफ़ी अच्छा है, इसमें वज़न बिल्कुल भी नहीं है, आप आराम से इसे फोल्ड करके किसी भी बैग में ले जा सकते हैं, कैंपिंग में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहीं कैंप करते हैं तो कैंपिंग में बहुत यूज़फुल ये रहेगा, क्योंकि इसमें इनबिल्ट जो है वो लाइट भी दी गई है, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें। और कंपनी क्लेम करती है कि ये 6 से 7 घंटे का बैकअप ये दे देता है, हालांकि हमने इसको पूरा अभी जो है इसका चला के इसका देखा नहीं है कि ये कितने घंटे चलता है। बाकी ठीक है, एक सिंगल जो बैटरी है वो 1600 mAh की इसके अंदर दी गई है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि SMF बैटरी जो है वो उसको एक टाइम बाद हमें जो है उसको हटाना ही पड़ता है, क्योंकि वो जो है उसकी लाइफ कम होती है, जबकि लिथियम की लाइफ जो है वो 10 ईयर्स होती है, यानी लिथियम सेल जो है वो 10 साल चलता है। अगर ख़राब भी हो जाए तो लिथियम सेल आपको जो है मार्केट में कम प्राइस में मिल जाएगा। इसके साथ ये कि USB भी दी गई है, ये इस USB से जो है आप इसे अडोप्टर लगा के जो है इसे चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग टाइम भी इसका जो है 5 से 6 घंटे है। इसके पीछे जो है इसका चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और एक LED लाइट दी गई है। हम इसे पावर बैंक से भी चला सकते हैं, ये एक पावर बैंक है मेरे पास, तो इस पावर बैंक से भी चला सकते हैं। तो क्योंकि ये जो है 0.6 एम्पियर लेता है, तो हमने अभी इसे जो है चार्जिंग पे लगा रखा है 1.5 एम्पियर 2 एम्पियर से, तो ये काफ़ी स्मूथली चार्ज होता है। तो इसका जो है चार्जिंग का भी कोई इशू नहीं है कि आपको कहीं
ऐसा कुछ देखना पड़े। आप आराम से यूएसबी से चार्ज कर सकते हैं, कार के अंदर अगर आपके चार्जर दिया हुआ है तो उससे भी ये जो है चार्ज हो सकता है। ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। बाकी अगर आप ज़्यादा हवा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इतनी हवा इसमें नहीं मिलती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।